एक 20 तारीख को जो नई अनाज मंडी है इसके साथ में जो नहर जा रही है, ये चंदाणा नहर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे एक रमेश है खुराना का, वो आड़ती के पास आया था और सोनू के साथ, उसी के जो पड़ोसी था सोनू के साथ, तो सोनू इसको अपनी मोटरसाइकिल पे लेके आया था। सोनू एक नशे का आदी है तो इसको मंडी में आड़ती के पास छोड़ के और चला गया। तो इसको बोला मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, तो सोनू को ये पता लग गया ये पैसे लेने आड़ती से, जो गेहूँ इसने डाले थे उसके पैसे लेने आया है। तो इसने जैसे ही आड़ती से 15-20 मिनट में प्रताप गेट पे चला गया। प्रताप गेट पे इसको दो बंदे और मिले, कपिल और अमित, वे दोनों भाई है रहने वाले चंदाणा के हैं। ये सोनू खुराना का था। तो 15-20 मिनट बाद नशे का आदि, इन्होंने नशा भी वहाँ जो हमारी पूछताछ में आया नशा भी किया तीनों ने मिलकर दोबारा, और इन्होंने प्लान बनाया कि इसकी जो रमेश आड़ती से पैसे लेके जाएगा तो इसको रास्ते में लूटेंगे। तो इसने इनको अमित को और कपिल को समझा दिया, अगर ये पैसे ले रहा होगा मैं मंडी के गेट पर खड़े हो जाना तुम, तो मैं 4 हॉर्न दूंगा तो समझ लेना पैसे ले रहा है, 2 हॉर्न दूंगा तो ये पैसे नहीं ले रहा। तो इसके साथ साथ ये लग लिया आगे जाके जो नहर वाला रास्ता है कच्चा रास्ता है नीचे, तो इन्होंने इसकी मोटरसाइकिल आगे हटा के और इसके रमेश की आंखों में मिर्च का पाउडर मारा और जो थैला था पैसे का लेके, और इसने वो लेके ये फरार हो गए। तो उस मौके पे VT भी आ गई थी, SHO भी मौके पे चला गया, CIA Inspector 1 भी चला गया, SP साहब खुद भी विजिट करके आए थे, मैं भी विजिट। तो ये जिम्मेवारी CIA 1 को सौंपी थी। और इसके अलावा तफ्तीश कितने सर कहाँ से गिरफ्तार की, कितने की रिकवर 8,000 रुपये रिकवर अठासी कर 88,000 एक से गिरफ्तार कराया है हमने। ये सोनू तो कराया खुराना रोड से और बाकी ये चंदाणा नहर से करे। पहले पहले भी है इस पे, अमित पे एक ट्रैक्टर चोरी काटे केस, और कपिल से हमने 28,000 बरामद करे हैं और अमित से 60,000 रुपये। पूछताछ में बताया क्यों चोरी करते सर? अब नशे के आदी थी, नशे के आदी थे और इनका रिमांड भी लिखा है, मोटरसाइकिल इनसे बरामद करनी है और भी जो जांच में सामने आया। जिसने सूचना दी थी वो क्या लगता है उसका जो ये पड़ोसी है परिवार में या गांव गांव का है? गांव का सर। ये बोला सर कैसे जब लूटपाट कर रहे थे तो कोई वेपन वेपन भी ले रहे थे या कैसे? ना वेपन वेपन वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, मोटरसाइकिल पे नशे किस चीज का नशा करते हैं? यही चिट्टा वगैरह का नशा करते हैं, जो हमारी उसमें आया भी नशे वगैरह तो इन पर कोई पर्चा नहीं है, वो जांच का विषय है और कोई सामने। तीनों भी आपस में जानकारी पहले से थी या? ये पहले ही पहले से जानकारी थी, वो भी नशे के उससे। तो यही अंजाम दिया सर घटना को 12वीं डिस्ट्रिक्ट से किया। अभी तक तो अमित पे एक पर्चा है, वो ट्रैक्टर चोरी का है और इन पे कपिल पे और सोनू पे ट्रैक्टर चोरी का राजोम थाने का पर्चा है, और इसमें पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही 68,000 रुपये 60 और 28 88,000 रुपये बरामद कर लिए। इसके लिए CIA 1 इंचार्ज को बहुत बहुत बधाई। और कैसे पता लगा कि मतलब कि इनके ऊपर सर गया? जैसे ये आड़ती आड़ती के पास आया था ना जैसे सोनू को लेके, अब सोनू पे हमारा शक गया क्योंकि सोनू भी वहाँ मौके पे पहुँचे थे, सोनू और एक्टिंग भी कर रहा था, उसको ना तो इतनी मिर्ची लगी हुई थी आँखों में, वो समझ में आया कि जो इसके साथ है उसको ये पता था कि ये आड़ती से पैसे लेके आ रहा है। फर्स्ट तो सोनू को ही पता था ना, मोटरसाइकिल सोनू की थी वो सोनू लेके, तो पहले उसी से पूछताछ की थी फिर? हाँ सोनू को भी पूछताछ करी थी, फिर उसको पूछताछ के बाद पारित कर दिया था, पर शक था हमें कि ये सोनू का इसमें जरूर रोल है क्योंकि कैमरे कुमरे चेक करने और वो सारी चीज़ें उसकी, फिर कॉल डिटेल वगैरह साइबर की मदद ली। तो बहुत बधाई हो CI